जी. ओह माय गॉड. हां जी सर, हां जी बिल्कुल रेडी है सर, रेडी है मेरी प्रेजेंटेशन, बिल्कुल रेडी है सर. हां जी हां जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ओके सर, ओके 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 सर, मॉर्निंग में मैं सबमिट करा दूंगी. ओके. ये ले यार, ये तेरा आगे का काम है. मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया, एक घंटे के अंदर बॉस को डिपॉजिट करवानी है. कर दियो. देख यार, एक घंटा पड़ा यार, इतना लीनियंट मत हो, इसे कंप्लीट करना है. कर दूंगी यार, इतना तो टेंशन मत, मैं कर दूंगी. अभी तो फोन उठाया, चलो नहीं तो दे. चल ठीक है, बस मैंने मेरा पर्स था तुझे देना, मैंने दे दिया, कर लियो. सुन, तुझे एक घंटा पहले मैं फाइल का काम देके गई थी, तेरा कंप्लीट है काम? यार तुझे फोन से फुर्सत मिले तब तू कोई काम करेगी ना. इसकी पंगे क्यों ले रहा तू? मैं देख लूंगी अपना, मेरा काम है ना. मैंने बॉस को बोल दिया 5 मिनट में तुझे ऑफिस में अंदर बुलाया है, जाके खुद जवाब दे दियो. मैंने भी बोल दिया. हाँ मैं करके देखा, मुझे नहीं पता. हाँ ओके. हाय श्रुति, हाउ आर यू? फाइन, व्हाट अबाउट यू? या सेम यार. अच्छा हाय रिया, हाउ आर यू? अच्छा रिया, वो जो कोटेशन की जो फाइल है ना, जो हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे यार, उसको है ना, कोटेशन की फाइल को जो है हमें ये उसका प्रिंट आउट निकाल के देना है क्लाइंट को, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि जो मैंने तुम्हें एक और कोटेशन दिया था, ये वाला जो कोटेशन है, इस कोटेशन को एक चीज और है, इसको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा. तुम चेक करने की बात ही करना, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, और इसमें कोई जो कोटेशन हमने जो भेजी हुई है उसको कोई ज्यादा मत करना तुमको, ठीक है? जितना हमने सोचा था वो उतना ही करेंगे हम. ओके. और अच्छा तुम फिर मुझे बताओ कि लंच पे तुम रही थी, फिर उसके बाद में तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम यहाँ पर आके बैठ गई. मैं तुम्हें पता नहीं कहाँ कहाँ लेके आ गए. रिया, अरे सुन रही हो कि नहीं यार, फोन तुम्हारा मुझे समझ नहीं आता यार, मेरे को क्या तुम हमेशा फोन पे लगी रहती हो यार. सबको मेरे फोन से क्यों प्रॉब्लम है? मेरे को सुन रहा है ना? ऑफिस के भी तो काम इम्पोर्टेंट है. मेरे को सुन रहा है? मैं सुन रही हूँ. अपना काम तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें क्या कहा कुछ समझ में आया? सुन लिया. क्या सुन लिया तुमने? अच्छा ठीक है, फिर वो फाइल रेडी कर लेना. पोजीशन की वो मेरा काम. हाँ हाँ मुझे पता है तुम्हारा. हाँ यार, देख वर्ड का काम तो कर दिया हमने, और उसकी हार्ड कॉपी है मेरे पास, वो क्लाइंट को जाकर देंगे और पेमेंट ले आएंगे सर. उसके बाद एक सॉफ्ट कॉपी है वो मेल कर देंगे, ताकि हमारा काम, ठीक है? सुन भी रही है? हाँ. क्या तुमने क्या कहा है? दोबारा बता. ऐसा है, एक बार बोल दिया मैंने, बाकी तेरी ड्यूटी है. क्या कुछ नहीं खाते वक्त तो कम से कम फोन छोड़ दिया कर, कोई बात कर लिया कर हमसे भी यार. कर लियो, घर जाने में बस इतना टाइम होगा, कम से कम ऑफिस में बैठी है, खाने का टाइम है, इसे छोड़ दे यार थोड़ी देर. तो रही हूँ साथ में. तो यार तो क्या हो गया? तेरे को पता है कि ऐसे ना खाना ठीक नहीं होता, ज्यादा खा लेगी, वैसे ही तू बहुत पहलवान है. तो क्या हो गया यार? खा तो रही हूँ. छोड़ो, इस लड़की को तो कुछ कहने नहीं का है, मैं तो अपना आराम से खाऊं और टाइम पे काम करूं, मुझे तो टाइम पे घर जाना है. लेकिन काम तो करती हूँ ना, तो प्रॉब्लम क्या है? इन्हें बॉस को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनको मेरे से ज्यादा प्रॉब्लम है. मेरे को प्रॉब्लम हो ना हो मेरे फोन चलाने से, इनको मेरे से ज्यादा प्रॉब्लम है. पता ही नहीं क्या यार इन लोगों में कीड़ा होता है दूसरों को बात बात पे टोकने का.
इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा फोन चलाने पे टोंक तो मारते हैं और साथ में गलत फहमी भी अपने मन में बहुत सारी भर के रखते हैं कि मैं सारा दिन फोन चलाती हूँ, पता नहीं क्या क्या फोन में करती हूँ, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि फोन में बहुत सारे रिसर्च वर्क भी होते हैं। अगर फोन से हम बहुत कुछ सीखे ना तो हम दुनिया के बहुत महान व्यक्तियों में से एक हो जाएंगे, लेकिन इन्हें कौन समझाए, है तो ये डफर ही ना। इन्हें तो बस इतना पता है कि इन्हें फोन चलाना आता नहीं, इनका टाइम वेस्ट होता है, तो इसलिए बस मैं चला रही हूँ। तो दस इस बात से अगर इन्हें फोन चलाना आता है तो इन्हें उसमें तो कुछ सर्च करना नहीं आता अच्छा कुछ, इसीलिए भाई मैं तो इनसे बहुत परेशान हूँ। अगर आपके भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं ना जो आपको फोन चलाने पर बार बार टोकते हैं तो आप ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो भाई अगर आपके भी कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं ना जो आपको फोन चलाने पर बार बार टोकते हैं तो कमेंट सेक्शन में उनको टैग करना मत भूलिएगा और आप अपने कमेंट्स जारी रखिए।